नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा है स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे, सुरक्षित होंगे और आप अपने लक्ष्य की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे होंगे। उम्मीदें व्यक्ति के अंदर हमेशा एक पुनर्वलन का कार्य करती है और वी आर लिब्रेशियन, ठीक है, हम लिब्रस के लोग हैं, कभी तो पीछे नहीं हटते। हम एक होप पे काम करते हैं और होप है हमारे सामने, हम उस होप पे काम कर रहे हैं। और नया होप हमारे सामने किस रूप में है? तो नया होप हमारे सामने है एक विशेष रूप में, अगर हम देखा जाए तो कह सकते हैं कि डीएसएसबी की वैकेंसी आ रही है इसमें है, और यूपी टेट की भी सूचनाएं बहुत जल्दी मिल रही हैं, जुलाई में फिर सी टेट है। तो जो भी हमारे दोस्त मित्र इससे जुड़े हैं, जो आपके मित्र दोस्त जुड़े हैं, उन सबको इस पूर्व तैयारी पूर्ण तैयारी के सीरीज में शामिल कीजिए, जो परीक्षा से पहले की तैयारी है। और ये सीरीज किसी अन्य के लिए नहीं है, ये आपके लिए है। जैसा कि थंबनेल में आप लोग देख रहे होंगे, तो आज का टॉपिक क्लियर है कि आज का टॉपिक हम लोग क्या पढ़ेंगे। और मैं पहले भी आप लोगों से कहा था, तो इस पूरे सोशलाइजेशन को हम लोग दो पार्ट में लेके आ रहे हैं। पहला पार्ट जो समाजीकरण की प्रक्रिया, परिभाषा और प्रत्येक अवस्थाओं में समाजीकरण की विशेषताओं का है, और दूसरा पार्ट समाजीकरण के सिद्धांत पर उनके प्रभावों का है। तो आज हम पहले पार्ट की चर्चा यहाँ पे करेंगे और आशा है कि आप लोग को बेहतर लगेगा। आप अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, हम इंतजार करेंगे आपके कमेंट का। तो बड़ा ही बेहतर एक सेगमेंट है ये। और दूसरी बात मैं कहूँ तो समाजीकरण एक ऐसा सेक्शन है कि जो प्रत्येक परीक्षा में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें सोशियोलॉजी से जो लोग पढ़ने वाले होते हैं उनके लिए भी ये बहुत बेहतर होता है, और मनोविज्ञान से पढ़ने वाले लोग होते हैं उनके लिए भी बेहतर होता है। तो दोनों पक्षों में इसकी बड़ी आवश्यकता होती है, बड़ी उपयोगिता होती है, और दोनों पक्षों के अंतर्गत हम इसकी बात करते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं हम लोग आज अपने इस कॉन्सेप्ट में चलते हैं। और यह कॉन्सेप्ट किससे संबंधित है? ये कॉन्सेप्ट संबंधित है समाजीकरण के उस सिद्धांत से जिसे हम समाजीकरण की प्रक्रियाएं जो शामिल होती हैं, समाजीकरण की प्रक्रियाओं में शामिल है। समाजीकरण की प्रक्रिया कहते किसे हैं? तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा मानव को न केवल सामाजिक और सांस्कृतिक संसार से परिचित कराया जाता है, बल्कि सांस्कृतिक संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित भी किया जाता है। यानी कि सिंपल रूप में अगर हम बात कर ले तो एक बात कह सकते हैं कि सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताएं ऐसी विशेषताएं हैं जो एक सामाजिक दाय के रूप में, एक सामाजिक दायित्व के रूप में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित होती है। जैसे कि एक बड़ी अच्छी बात मैं आपको बताऊं, तो हम वत्स परिवार के लोग हैं, मैं खुद वत्स खानदान का हूं, और हमारे यहाँ नागपंचमी के दिन नागपंचमी नहीं मनाया जाता है। हमारे पुरखे नागपंचमी को नागपंचमी न मना के सप्तमी को पंचमी मनाते हैं, और ये परंपरा वर्षों से चली आई है एक सामाजिक दाय के रूप में। इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, आने वाली पीढ़ियां भी वही करेंगे। तो जो ये क्या है कि एक सामाजिक सांस्कृतिक हस्तांतरण है, वो हस्तांतरण चल रहा है। जैसे श्रीनेत राजवंश में शादी में महिलाओं को उपहार स्वरूप सिर्फ एक कोई गहना जाता है, ये क्या है, वहां का एक सामाजिक दायित्व है, ठीक है। होली के दिन होली न मना के दूसरे दिन होली मनाना, ये एक सामाजिक दायित्व है। तो जिस सामाजिक दायित्व की बात हम करते हैं, सामाजिक दायित्व की, उन सामाजिक दायित्वों के बारे में यह कथन, यह परंपरा, यह विशेषता एक सामाजिक दाय के रूप में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित होती है। और ये क्वेश्चन पूछा गया है सीटेट में कि समाजीकरण के अंतर्गत सामाजिक दाय किसे कहते हैं। तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सामाजिक दायित्वों का हस्तांतरण, सामाजिक दायित्वों का स्थानांतरण या हस्तांतरण ही सामाजिक दाय कहलाता है, और ऐसी प्रक्रिया को ही हम समाजीकरण की प्रक्रिया के रूप में शामिल करते हैं। समाजीकरण की अवधारणा का प्रयोग वास्तव में दो अर्थों में किया जाता है। दो अर्थों में समाजीकरण की प्रक्रिया की अवधारणा दो अर्थों में बताई जाती है। पहला, बच्चों द्वारा दी जाने वाली सामाजिक अनुकूलन की प्रक्रिया के अर्थ में, बच्चों द्वारा की जाने वाली सामाजिक अनुकूलन की प्रक्रिया। सामाजिक अनुकूलन की प्रक्रिया क्या है कि बालक जिस समाज, जिस संस्कृति में रह रहा है, उस समाज, उस संस्कृति की विशेषताओं को सीख रहा है।
उसके अनुकूल व्यवहार कर रहा है, जैसा कि दुर्खिम का व्यवहार है सामाजिक प्रतिनिधित्व का व्यवहार। तो दुर्खिम के व्यवहार को भी हम कह सकते हैं कि क्या है कि बालक के द्वारा जब किसी विशेषताओं को सीखा जाता है तो उन्हीं विशेषताओं को क्या कहते हैं, सामाजिक अनुकूलन कहते हैं। और दूसरा, संस्कृति के सीख के अर्थ में, संस्कृति के सीख के अर्थ में, तो सांस्कृतिक सीख का अर्थ क्या है, संस्कृतियों की विशेषताओं को सीखना, क्या चीजें हैं, क्या परिप्रेक्ष्य है, किस परिप्रेक्ष्य में कौन सी बात कही जा रही है, इन सारी विशेषताओं को सीखना और जानना, यह भी क्या है, एक सामाजिक दायित्व का अंश है। हम एक सामाजिक दायित्व के बारे में एक सामाजिक अधिगम करते हैं, जैसे कि किसी विशेषताओं को, किसी चीज को जानना, किसी चीज को एक हमारे पीढ़ी के लोग, हमसे पहले के लोग जिसे करते आए हैं उस चीज को हम सीख रहे हैं, वो एक सामाजिक दायित्व है। और दूसरा, किसी बच्चे के द्वारा समाज में होने वाले कोई परिवर्तन या अनुकूलन, कोई परिवर्तन को बालक क्या कर रहा है, अनुकूलन कर रहा है उसका, उसे उस रूप में देखकर और उसका एडप्टेशन कर रहा है, तो एक अर्थ वो हो जाता है। यानी दोनों अर्थों में जब हम चर्चा करते हैं तो पहला अर्थ बच्चों के द्वारा किया जाने वाला सामाजिक अनुकूलन, सामाजिकरण की प्रक्रिया है, और दूसरा संस्कृति की सीख के अर्थ में कि हम संस्कृतियों के बारे में सीख रहे हैं इस अर्थ में। ठीक है, तो सामाजिकरण की प्रक्रिया धीरे धीरे और निरंतर गति से चलती रहती है, ये एक ही बार बदलाव की प्रक्रिया नहीं है। ये प्रक्रिया कैसी होती है, धीरे धीरे और निरंतर गति के रूप में आगे बढ़ती रहती है, चलती रहती है, और इस प्रक्रिया को हम सामाजिकरण की प्रक्रिया के रूप में कहते हैं। इससे संबंधित कुछ मनोवैज्ञानिकों के अपने अपने विचार थे, जिसमें सबसे पहला विचार था मैडम एलिजाबेथ हरलाक का, मैडम एलिजाबेथ हरलाक का, और इन्होंने कहा कि सामाजिकरण का अर्थ उस योग्यता को अर्जित करना है जिसके द्वारा सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुसार व्यवहार किया जा सके। सिंपल सी बात है कि यदि किसी परिवार में या किसी समाज में, किसी संस्कृति में एक सामाजिक प्रत्याशा बनती है और उस सामाजिक प्रत्याशा के अनुसार बालक का व्यवहार, जैसे राजा का लड़का है तो उसे घुड़सवारी सिखाई जा रही है, उसे तलवार चलाना सिखाया जाता था, ठीक है, उसे नेतृत्व करने की क्षमता सिखाई जाती थी। ये क्यों सिखाई जाती थी, ताकि वो क्या करे, उस सामाजिक प्रत्याशा, जो समाज है उस प्रत्याशा को वो पूरा कर सके। जैसे आप लोगों ने बाहुबली फिल्म देखी होगी, तो बाहुबली 2 की बात मैं कर रहा हूं, बाहुबली 2 में जो अमरेंद्र बाहुबली है उसको देश समाज घूमने के लिए भेज देती है राजमाता। अब राजमाता क्यों भेजती है, क्योंकि जब व्यक्ति समाज में जाएगा, उस स्थितियों को जानेगा, उस परिस्थितियों को जानेगा, राजमहल में तो जीवन बीता है लेकिन उस परिस्थितियों को जानेगा तब उसे वास्तविकता का ज्ञान होगा। जैसे अभी एक रिसेंट यात्रा थी किसकी, राहुल गांधी की। राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा के दौरान निकले तो लोग उनके टी शर्ट पे बड़ा कमेंट किए कि वो सिर्फ टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं, सिर्फ टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं। वो वास्तव में घूम नहीं रहे थे, वो भारत की उस गरीबी, उस स्तर को देखा उन्होंने और इन्हें लगा कि अगर ये रह सकते हैं तो हम क्यों नहीं रह सकते हैं। या उस व्यक्ति की आंतरिक इच्छा थी, वो सामाजिक प्रत्याशा थी। बहुत सारे लोगों का फेथ राहुल गांधी के साथ जुड़ गया उस समय। तो यही विशेषता, जैसे महात्मा गांधी जब भारत घूमे तो भारत में क्या था कि सामाजिक प्रत्याशा जो थी उस प्रत्याशा का पालन किया। उन्होंने प्रण लिया कि जब तक भारत के सभी लोगों को जब तक वस्त्र की प्राप्ति नहीं हो जाएगी तब तक हम लंगोट धारण करेंगे। तो ऐसी प्रत्याशाएं जो सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप उत्पन्न होती है, उन प्रत्याशाओं को पूरा करने की क्षमता ही क्या है, सामाजिकरण की प्रक्रिया है। और ऐसा विचार किसका है, मैडम एलिजाबेथ हरलाक का है। क्लियर है ये बात। दूसरी बात पे चलते हैं, तो दूसरा बात हम देखते हैं क्या कि एक अन्य मनोवैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है फीचर। फीचर कहते हैं कि सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप, सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप व्यक्ति सामाजिक व्यवहारों को स्वीकार करता है तथा उसके साथ अनुकूलन करता है। सामाजिक व्यवहारों को स्वीकार करता है तथा उसके साथ अनुकूलन करता है। बहुत सिंपल सी बात है। एक अच्छा उदाहरण समझिए कि हमारे प्रधानमंत्री, माननीय हमारे प्रधानमंत्री, ठीक है, माननीय नरेंद्र दास, दामोदर दास मोदी, मोदी जी का मैं बहुत समर्थक हूं उनकी भाषण शैली का। अपने प्रधानमंत्री पे मुझे गर्व है कि वैसा भाषण कोई नहीं देता है जिस तरीके का भाषण वो देते हैं। लेकिन मोदी जी हर चीज में बिजनेस को भी बहुत शानदार करते हैं। क्या गजब बिजनेस स्ट्रेटजी होती है। वो पूछते हैं कि सफाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए,
और जो 7 दिन से नहाया नहीं है ना, वो भी हाथ उठा के कहता है हाँ हाँ होनी चाहिए होनी चाहिए होनी चाहिए। अब सही बात है भाई कि प्रधानमंत्री जी मंच से पूछ रहे हैं और व्यक्ति कह रहा है कि हाँ होनी चाहिए, बिल्कुल सफाई होनी चाहिए, तो कहते हैं कि इसकी जिम्मेदारी किसकी है, तो सब कहते हैं कि मेरी जिम्मेदारी है। जो 7 दिन से नहीं नहाया वो भी कह रहा है कि मेरी जिम्मेदारी है। और उसके बाद से वो मोदी जी कहते हैं ठीक है, और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा ठीक है 0.05% का टैक्स लगाओ सब पे। अब कोई ये नहीं कहेगा कि नहीं टैक्स मत लगाओ, क्यों क्यों नहीं कहेगा, क्योंकि भाई सामाजिक रूप में सबने हुंकारी भरी है, सबने हाँ कहा है, मान लिए सब। मोदी जी का टैक्स इनसे लो और सफाई कराओ, जिन सफाई कर्मियों की आवश्यकता उनकी आवश्यकता की पूर्ति होगी और देश साफ भी रहेगा। अब सब तैयार है इसके आगे। अब यही बात क्या है कि सामाजिक व्यवहारों को स्वीकार करना और उसके साथ अनुकूलन करना। अब वही बात है कि सब लोग उसके साथ अनुकूलन भी कर लिए कि हाँ भाई हम टैक्स देंगे लेकिन सफाई होनी चाहिए। तो सामाजिक व्यवहारों को स्वीकार करना और उसके साथ अनुकूलन करना ही क्या है सामाजिकरण की प्रक्रिया, इसके बारे में कौन बताता है, टीचर बताते हैं। क्लियर है ये बात। चलिए अगली बात देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो सॉरी अगला मनोवैज्ञानिक जो आता है इसके बात करता है, उनका नाम था सोरेनसन। सोरेनसन ने एक बड़ी अच्छा सिद्धांत दिया था सोरेनसन का, जिसे कहते हैं व्युत्क्रम सिद्धांत कहते हैं, ठीक है उल्टा सिद्धांत कहते हैं इसे, एक इसका एक अन्य नाम भी अलग भी आता है जिसे प्रतिगमन का सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है। तो सोरेनसन ने कहा कि सामाजिक अभिवृद्धि एवं विकास का अर्थ है अपनी एवं दूसरों की उन्नति के लिए योग्यता की वृद्धि करना, अपनी एवं दूसरों की उन्नति के लिए योग्यता की वृद्धि करना। जैसे ये सिंपल सी बात है, अगर आप देखेंगे तो हमारे प्रदेश के मुखिया क्योंकि हम उनके जिले से हैं और इसलिए हमें गर्व भी है कि हमें माननीय महाराज जी पे गर्व की अनुभूति होती है। महाराज जी इस समय गोरखपुर में भी हैं, तो निश्चित रूप से महाराज जी का हम एक तरीके से कह सकते हैं कि पूरा गोरखपुर उनका फैन है। महाराज जी की दरिया दिली, महाराज जी का लोगों के प्रति एक भाव निश्चित रूप से काबिले तारीफ है और इसलिए वो प्रदेश में बने भी हुए हैं। लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी को मजबूत, 5 साल के बाद दूसरी कोई सरकार नहीं आई थी बहुत सालों तक, लेकिन अपनी पार्टी को मजबूत करते हुए और लोगों के आवश्यकता के अनुसार कार्रवाई की। लोगों ने कहा कि नहीं अपराधियों पे नकेल कसनी चाहिए, महाराज जी ने कहा बुलडोजर चला दो, चलाओ बुलडोजर देखते हैं कौन रोकता है। अरे इवन यहां तक कि सदन में भी उन्होंने कहा कि जो भी ऐसा आपराधिक तत्व है मिट्टी में मिला देंगे। यानी कि ये क्या था कि अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ अपने आवश्यकताओं की पूर्ति, ये सिर्फ लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं है, ये पार्टी की छवि को भी बेहतर कर रहा है। तो अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ सामाजिक अभिवृद्धि और विकास के लिए दूसरों की आवश्यकताओं की भी पूर्ति करना ही क्या है सामाजिकरण है, और इसके लिए योग्यता का विकास करने की बात करते हैं। और यह बात कौन कह रहा है, सोरेनसन कह रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट मनोवैज्ञानिक की अगर हम बात करें तो एक मनोवैज्ञानिक और आते हैं जिनका नाम था रॉस। रॉस बड़ी फेमस थे, हमारे हमारे स्टूडेंट है विनीत जी, इनके बड़े फेमस है रॉस, हमेशा क्लास में क्वेश्चन पूछते रहते हैं रॉस से। रॉस क्या कहते हैं कि सहयोग करने में हम की भावना, सहयोग करने में हम की भावना, मैं नहीं जहां कम वहां हम, यही समाजीकरण है। ये संघ की भाषा भी कुछ लोग कह सकते हैं, लेकिन क्या है कि जहां कम वहां हम, और ये जो भाषा है ना यही भाषा जो है वही समाजीकरण की भाषा है कि जहां कम वहां हम। और यही बात रास कहते हैं कि सहयोग करने में हम की भावना का विकास और उसके साथ काम करने की क्षमता का विकास एवं संकल्प समाजीकरण कहलाता है। एक काम करने की क्षमता का विकास और संकल्प समाजीकरण कहलाता है। जैसे स्वयं सेवक होना, एक वॉलेंटियर होना, वॉलेंटियर क्या है, कबीर दास की एक लाइन है, कबीरा कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठा हाथ, जोघर फूके आपना आए हमारे साथ। अपना घर फूक दो और आओ हमारे साथ, क्योंकि हम समाज का निर्माण करेंगे। और यही समाजीकरण में हम की भावना, सहयोग करने में हम की भावना का विकास ही क्या कहलाता है, समाजीकरण कहलाता है। जिस समाजीकरण करने में क्या हो, काम करने की क्षमता एवं संकल्प, यह दोनों चीजें शामिल होती हैं, वही समाजीकरण कहलाता है। अब ये नहीं कि कह दिए भैया हम हैं और जैसे मामला थोड़ा सा पेचीदा हुआ भाग गए, ठीक पाक के आर्मी हो जाए, पाकिस्तान वाली आर्मी हो जाए, कि जब टाइगर हिल पे जब कैप्टन मनोज पांडे भारतीय सेना जो थी वो टाइगर हिल पे कब्जा करने के लिए पहुंची, इन लोगों ने लगातार फायरिंग करना शुरू किया,
अब नीचे से ऊपर फायरिंग करना था और वो भी फायर कर रहे थे, इनके सैनिक मर रहे थे, भारतीय शहादत हो रही थी, ठीक है, लेकिन ये लगातार फायरिंग करते हुए और जय माँ काली बोलते हुए चढ़ गए ऊपर, और उनके पास हथियार भी था, गोलियां भी थी, ऊपर बैठे भी थे, लेकिन जब भारतीय शेरों की गर्जना हुई तो उस गर्जना में उन आतंकवादियों के चूचे हिल गए और वो भाग गए वहां से। उनके अंदर वो क्षमता नहीं थी कि उस गर्जना को बर्दाश्त कर पाए। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो हम की भावना नहीं थी जो हम की भावना भारतीय सैनिकों के अंदर थी। और यही बात रास अपने सिद्धांत में कहते कि हम की भावना के साथ काम करने की क्षमता और संकल्प, यही समाजीकरण है। ठीक है, आई थिंक आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग कि समाजीकरण की विशेषताएं क्या होती है। तो जब हम समाजीकरण की विशेषताओं की चर्चा करते हैं कि समाजीकरण की विशेषताओं, तो समाजीकरण सबसे पहले क्या है? एक सीखने की प्रक्रिया है, समाज सिखाता है व्यक्ति को। एक दिन गुजरा मैं अपने पुराने विद्यालय के सामने से, तो स्कूल ने मुझसे मुस्कुरा कर पूछा, बता जिंदगी की परीक्षा कैसी लग रही है? ठीक है, तो यही क्या है, ये सीखने की प्रक्रिया है कि जीवन में हमको बहुत कुछ सिखाता है, जीवन हमें बहुत कुछ सिखाता है। अब जीवन बहुत कुछ सिखाता है इसका मतलब क्या है कि उसकी प्रक्रियाएं आगे बढ़ती चलती है। ठीक है, चलिए, सामाजिकरण जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि सामाजिकरण बचपन में हुआ और खत्म हो गया, नहीं, आप बुजुर्ग हो जाएंगे तब भी आपका सामाजिकरण होगा, आपके नए दोस्त, नए मित्र, नए समाज बनेंगे। ठीक है, यह भी होगा, नहीं कुछ होगा तो मोहल्ले के चार बुजुर्ग ही मिलके और बैठ के बात करेंगे, यही क्या है उनका समाजीकरण, उनका समूह बनेगा। ठीक, सामाजिकरण के प्रभाव स्वरूप व्यक्ति एक जैविक प्राणी से एक सामाजिक प्राणी के रूप में बनता है, रूपांतरित होता है। जैविक प्राणी मतलब क्या, कि जो सिर्फ जैविक प्राणी, एक सांड भी है, एक कुत्ता भी है, एक बिल्ली भी है, सब जैविक प्राणी, लेकिन सामाजिक प्राणी वो नहीं है। सामाजिक प्राणी कौन है? जिसमें समाज के आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता पाई जाती है, वो सामाजिक प्राणी है। जो समाज के अनुरूप व्यवहार करने की क्षमता विकसित करता है, वो सामाजिक प्राणी है। जो समाज के आवश्यकताओं के अनुसार स्वयं के व्यवहार में परिवर्तन लाता है, वो सामाजिक प्राणी है। जैसे क्या है कि समाज के अपने अपने दायरे हैं, बदलते रहते हैं। जब बच्चा किशोरावस्था में होता है और नायक नायिका को देखता है, तो उसके मन में सिर्फ एक ही बात उठती है कि नजर उठे तो सुबह और झुके तो शाम हो जाए, नजर उठे तो सुबह और झुके तो शाम हो जाए, और तू एक बार मुस्कुरा दे तो कत्लेआम हो जाए। और यही विचारधारा क्या होती है, किशोरावस्था के बाद जब युवावस्था में और जिम्मेदारियों की अवस्था में पहुंचता है तो बदल जाती है, और वहां पे उसका विचार बिल्कुल बदल जाता है। वो कहता है, अब उसके पास क्या होता है कि उसके बारे में तब दूसरे कहते हैं कि वो वीर था, सूरवीर था, लेकिन बाप भी था, रोटियां खरीद के लाया है तलवार बेचकर। अब ये जिम्मेदारियों में बदल जाता है। इसी कारण यह एक जैविक प्राणी से किस रूप में, बच्चा पैदा होता है तो जैविक प्राणी होता है, नार्सिज्म होता है उसमें अंदर, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति की बात होती है, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जाती है और वो जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी के रूप में परिवर्तित होता जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है सामाजिक सांस्कृतिक, समाज संस्कृति को आत्मसात करने की प्रक्रिया है। समाज क्या करता है? सांस्कृतिक विशेषताओं को आत्मसात करने की प्रक्रिया प्रस्तुत करता है। जैसे मान लीजिए कि आपकी पोस्टिंग हो जाती है केरल, कुछ लोग केवीएस वाले हैं, उनकी पोस्टिंग हो गई केरल, अब वो केरल चले गए तो मलयाली तो आती नहीं है, लेकिन उस संस्कृति, उस सभ्यता को क्या कर रहे हैं, अपने आपने आत्मसात किया और उस सभ्यता और संस्कृति में सर्वाइव करने लगे। तो सर्वाइव करने के लिए जो आत्मसात करने की क्षमता आप में बढ़ रही है, वही क्या कहलाता है, समाजीकरण कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है समाजीकरण द्वारा सामाजिक परिवेश के अनुकूलन तथा व्यक्तित्व को विकसित करने की क्षमता प्रदान की जाती है। ये बिल्कुल सही बात है कि जैसे जैसे व्यक्ति के ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, उसका व्यक्तित्व तो निखर के सामने आ जाता है, या तो वो टूट जाता है, गिरते हैं शाहसवार ही मैदाने जंग में, वो तुफुल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चलता हो। तो वो तुफुल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चल रहा है, यानी कि व्यक्तित्व तो सामाजिक परिवेश में अनुकूलन करने की क्षमता होती है, और जैसे जैसे व्यक्ति अनुकूलन करता है वैसे वैसे उसका व्यक्तित्व तो परिपक्व होता है, और वह परिपक्व व्यक्तित्व से अपने आप को दुनिया के सामने लेके आता है। तेर अगर दो कदम पीछे हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो वार नहीं करेगा, वो वार करेगा और दोगुना रफ्तार से वार करेगा, और यही इसका अर्थ है कि व्यक्तित्व तो उसका क्या हो जाएगा, निखर जाएगा,
उसमें सोच समझ वार करने की क्षमता बढ़ जाएगी, और इसी को इसने इनकी विशेषताओं में शामिल किया जाता है। ठीक है, आगे की बात करें हम लोग तो विभिन्न अवस्थाओं में इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इन अवस्थाओं की चर्चा करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, सेसवावस्था की। ठीक है, इन्फेंसी स्टेज की बात करते हैं कि मानव एवं अन्य ध्वनियों में अंतर करना शुरू कर देता है। जैसे कुत्ते की ध्वनि क्या है, गुगू मियाओ, ऐसे ऐसे शब्दों का बिल्ली कुत्ता और मानव वह अंतर करने लगता है। बाद में वह अपने ही परिवार के लोगों में अंतर करने लगता है, जैसे कि अपने पिता की आवाज सुनना और पिता की आवाज पर प्रतिक्रिया देना, माता की आवाज सुनना माता की आवाज पर प्रतिक्रिया देना, ऐसी प्रतिक्रियाएं बालकों में विकसित होती है, इसलिए वह अन्य ध्वनियों में अंतर करने लगता है। व्यक्तियों को चेहरा, व्यक्तियों के चेहरा पहचानने लगता है, माँ बाबा दादी नाना नानी बुआ मौसी चाची, ठीक है, पापा चाचा बड़े पापा, सबके चेहरे को क्या करने लगता है, पहचानने लगता है। तीसरा, अपनी माता को पहचानना एवं उससे दूर होने पर दुखी होने लगता है, कि माँ के पास बच्चा है और उससे दूर हो रहा है तो क्या हो जाएगा, रोने लगेगा चीखने लगेगा चिल्लाने लगेगा, यह चीजें। प्रेम और क्रोध के स्वर को पहचानने लगता है, प्रेम और क्रोध के स्वर को पहचानने लगता है। व्यक्तियों के मुस्कान पर स्वागत करना, जैसे बच्चे बड़ा खिलखिला के हंसते हैं, ठीक है, बहुत खिलखिला के हंसते हैं बच्चे, शर्मीलेपन का भाव, बच्चे बहुत तेज शर्माते भी हैं, इस सेसवावस्था में बच्चे क्या होते हैं, शर्मा के भाग जाते हैं, पर्दे के पीछे छिप जाते हैं, ठीक है, मुझे नहीं आना ऐसे करके भाग जाते हैं, ये प्रक्रिया जो बच्चों में होती है ये है। और अपनी ही परिछाई के साथ खेलना, क्योंकि इसमें क्या है कि एक नार्सिसिज्म की भावना होती है, आत्म प्रेम की भावना होती है, इस कारण बच्चे अपनी ही परछाई के साथ खेलने लगते हैं। ठीक, दूसरी अवस्था होती है, ये होती है बाल्यावस्था, यहाँ सामाजिकरण तीव्रता के साथ बढ़ता है, जिसमें समूह निर्माण की भावना आती है। ठीक, तो यहाँ प्रतियोगिता की भावना का विकास होता है, दूसरों से स्नेह की अपेक्षा होती है, यानी दूसरे प्रेम करेंगे प्यार करेंगे इस स्नेह की आवश्यकता पड़ती है। सहानुभूति की भावना का विकास होता है, ठीक है, जैसे बच्चा गिरा, अरे चोट लग गई मुझे चोट लग गई, ऐसी भावनाओं का विकास, अपने आप को दूसरे को निर्जीव सजीव वस्तुओं को भी, कि एक बोतल गिर गया तो अरे बोतल को चोट लग गई, टेडी को चोट लग गई, ऐसे सहानुभूति प्रस्तुत करता है। मित्रों का चुनाव करना, ठीक, पापा मम्मी परिवार के साथ साथ अगल बगल के छोटे छोटे बच्चों के साथ मित्र बनाना, मित्रों का समूह, इसे आप कह सकते हैं मित्रों का चुनाव करने की बात आएगी तो यही क्या हो जाएगा, एक विशेषता हो जाएगी, और वो हो जाएगा क्या, गैंग एज के रूप में बालक विकसित हो जाएगा, यहाँ पे समूह की बात हो जाएगी, समूह का निर्माण करने लगता है, छोटे छोटे समूहों में खेल कूद। वैगोत्स्की कहता है कि बालकों का वास्तविक विकास खेल के मैदान में होता है, और यहाँ छोटे समूह में खेल समूह उसी से संबंधित है। नई नई आदतों का निर्माण होना, जैसे जूते का लेस बांधना अपने से, ब्रश करना अपने से, कपड़ा पहनने का प्रयास करना, आप भी किए होंगे, पैंट में एक ही तरफ दोनों पैर डाल के खड़ा हो जाना फिर मम्मी को बुलाना, ऐसी प्रवृत्तियां जो होती हैं वो आदतों का निर्माण कराती हैं। और जिज्ञासा, अतिशय जिज्ञासा, क्या है क्यों है कैसे है क्यों हो रहा है क्यों नहीं हो रहा है, ऐसे जिज्ञासाओं का प्रभाव इस अवस्था में देखने को मिलता है, तो ये इनकी विशेषता होती है। ठीक है, अगली बात करें हम तो सामाजिकरण की सबसे उच्च अवस्था जो होती है वह होती है किशोरावस्था। इस अवस्था में उच्च सामाजिकरण होता है और यह इसमें सामाजिक संबंधों की स्थापना होती है, सामाजिक संबंधों की स्थापना होती है। दूसरा, सामाजिक रुचि का विकास होता है, सोशल इंटरेस्ट बढ़ते हैं, ये लास्ट पॉइंट है हमारा, परेशान ना होइए। नेक्स्ट है क्या, मित्रों के चयन के नवीन मापदंड बनते हैं, यह इसी कारण इस अवस्था को फ्रेंड्स एज या मित्र बनाने की अवस्था कहा जाता है, मित्र बनाने की अवस्था कहा जाता है इसे, इसकी यह विशेषता होती है मित्र बनाने की अवस्था। ठीक है, अब इसमें क्या है कि क्लास में अगर तीन तीन मित्र हैं और टीचर वो आपस में बात करते रहते हैं, टीचर उनसे परेशान हो जाता है, जैसे आप कंसंट्रेट होकर पढ़ा रहे हो उसमें तीन लोग बात कर रहे हैं, परेशान हो जाता है टीचर, तो टीचर उन तीनों को तीन कोने में बैठा देता है, और जब तीनों को तीन कोने में बैठा देता है तो इतने बड़े दुष्ट होते हैं, उसके बाद पर्ची पर्ची खेलते हैं। अच्छा, एक और बात, उस पर्ची में लिखा क्या होता है यह या तो वो जानता है या भगवान जानता है, कोई बीच में दूसरा नहीं जानता है, क्योंकि उसमें सब 60 लैंग्वेज लिखा रहता है,
और यही इस अवस्था की विशेषता है किशोरावस्था की। इसी कारण इसे फ्रेंड सेज कहा जाता है, नवीन मानदंड बनते हैं इसमें। फिर इसमें सामाजिक चेतना का विकास आता है, सामाजिक रूप से चेतनता विकसित होने लगती है। बालक सामाजिक रूप से अपनी छवि के प्रति, अपने आवश्यकताओं के प्रति विकसित होने लगता है। विषम लिंगी के प्रति अत्यधिक आकर्षण बढ़ जाता है, ठीक है, कि तू नहीं तो कोई नहीं। इस अवस्था में प्रेम नहीं होता है, इस अवस्था में आकर्षण होता है, सिर्फ आकर्षण होता है कि नायिका, वो उसे कोई काम नहीं है नायक को, लेकिन वो साइकिल उठाएगा और नायिका के घर के बाहर से घूमा आएगा, और वो उस समय में घर में झाड़ू लगा के कूड़ा फेंकने जा रही है, और कूड़ा फेंकते हुए देख लेगा ना, तो उसे लगेगा कि आज तो ईश्वर की प्राप्ति हो गई, ईश्वर ने मुझे देख लिया। यह इस अवस्था की विशेषता है। यहाँ पे क्या होता है कि बस एक झलक पाने को मन बेकरार रहता है, लेकिन वह झलक प्रेम का नहीं है, वो झलक सिर्फ आकर्षण का है। जैसे आवश्यकता की पूर्ति होती है, आकर्षण बदल जाता है, लेकिन इस अवस्था में विषम लिंग के प्रति अत्यधिक आकर्षण बढ़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है समकक्ष मित्र और समूह के साथ समायोजन। समकक्ष मित्र और समूह के साथ समायोजन, यानी कि समूह बनाना, मित्रों के साथ समायोजन करना, मित्रों के आवश्यकता के अनुसार कार्य करना, चलो चलो तुम्हारा भाई है ना देख लेगा, इस टाइप की बात करना, ठीक। ये भरी दुपहरी में साइकिल से नहीं आते हैं, साइकिल अगर दो के पास साइकिल है और चार पैदल है तो वो कैसे आएंगे? पैदल आएंगे। एक समोसे में, एक पेटीज में 8 बाट के खाने की अवस्था जो होती है वो यही अवस्था होती है, इसी को कहते हैं समूह समायोजन, यही है मित्रता की अवस्था, ठीक है। अगली बात अगर हम करें तो आज की बात बस इतनी है। दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। फिर हम लोग कल मिलेंगे, अगर आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि इस सीरीज को आगे किया जाए तो निश्चित रूप से मैं आगे करूंगा, आप लोग जरूर बताइएगा, हम आपका कमेंट पढ़ते हैं, ठीक है। फिर हम लोग कल मिलते हैं इसी समय पर, ठीक 7:45 पे। धन्यवाद, नमस्ते।